तो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम आ गए जी, हाँ जो शर्मा जी हैं ना हमारे, इनके जो दही बल्ले हैं जी, बड़े फेमस हैं, काफ़ी साल पुरानी दुकान है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दही बल्ले खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो दिखाएंगे हम किस तरीके से बनते हैं बल्ले, और चलते हैं दुख शॉप पर, दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस जी हैं शर्मा जी और बना रहे हैं दही बल्ले। तो गाइस ये बन रही है भैया बल्ले की प्लेटें यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं भैया, ये भल्ले की जो प्लेटें तैयार हो गई हैं। तो गाइस भैया जी खा रहे हैं दही बल्ले शर्मा जी के, बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ का जो स्वाद है कैसा है। तो भैया नाम बताएंगे अपने? जी अलकमा नाम है मेरा। अच्छा, तो दही बल्ले जो आप खा रहे हैं शर्मा जी के, तो कैसा स्वाद है इसका बताएंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप खाते रहते हैं यहाँ पे? जी जी। अच्छा, काफ़ी टाइम से खा रहे हैं? जब भी आता हूँ यहाँ पे मैं खाता हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम से खा रहे हैं। तो भाई स्वाद बहुत बढ़िया है भैया शर्मा जी के दही बल्लों का, भैया जी खाते रहते हैं यहाँ पे, तो आप भी आए यहाँ पे ट्राई करें। तो गाइस भैया ये जो है ये पैकिंग के लिए है दोस्तों, अगर आप ये पैकिंग करवाते हैं यहाँ से तो ये 50 रुपीज़ है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आप खाएंगे तो 40 रुपीज़ है दही बल्ले की प्लेट, हम भी बनवाते हैं। तो गाइस ये बन रही है पैकिंग, पैकिंग करवाएंगे तो इस तरीके से डब्बे में मिलेगा आपको दही बल्ले की प्लेट। तो गाइस ये पापड़ी देख रहे हैं भैया, ये डलती है दही बल्ले के अंदर पापड़ियाँ, अंकल जी पूरी मतलब पॉलीथीन में लाए हैं, ये पापड़ियाँ भी डलती हैं इसके अंदर। तो गाइस बात करते हैं जो शर्मा जी हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि इस शॉप के बारे में कितनी पुरानी है और किस तरीके से बनाते हैं ये। तो नमस्कार सर। नमस्कार वालेकुम। अरे 99 से दुकान लगती है नेहरू प्लेस में। अच्छा, 99 से? हाँ जी। कितने साल लगभग हो गए? 20-22 साल तो हो ही गया होगा। अच्छा, तो आप दही बल्ले बनाते हैं? बस हैं दही बल्ले बनाते। तो शुरू से यहीं पे लगा रहे हैं आप? शुरू से यहीं लगा। तो दोस्तों 95 से दुकान चल रही है, तो दही बल्ले लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप भी आइए यहाँ पे, दिखाते हैं हम आपको। ये बल्ले होती है मूंग का दाल का बल्ले होती है, सॉफ्ट बल्ले होगा एकदम। अच्छा, और क्या क्या डालते हैं दही बल्ले में? दही बल्ले में दही होती है, मीठी चटनी होती है, मेन होती है सौंठ मसाले का कमाल होता है, दही जो हमारा होता है मीठी क्रीमी दही होती है। अच्छा, बल्ले हमारा होगा मूंग का दाल के, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, होठों से खाने वाला बल्ले। अच्छा जी, ठंडे मिलेंगे। तो आपका जो टाइम वगैरह यहाँ पे क्या है बताएं? टाइमिंग 10:30 से लेके जब तक माल रहता है, जब तक 7 बजे तक 8 बजे तक लास्ट। अच्छा अच्छा, और एक बार एड्रेस बता देंगे यहाँ का? जो एड्रेस आपको नेहरू प्लेस मेन मार्केट राजा हाउस के पास। तो गाइज नेहरू प्लेस में पड़ेगा दोस्तों, आप भी आइए यहाँ पे, तो हम भी बनवाते हैं बल्ले की प्लेट, बताते हैं आपको यहाँ का स्वाद कैसा है। तो गाइस ये बन रही भैया हमारी बल्ले की चाट, जो बल्ले होती है मूंग का दाल का बल्ले होती है, सॉफ्ट बल्ले होगा। देख सकते हैं मतलब भल्ला, मतलब कुछ अलग तरह का ही है भैया भल्ला, तो मूंग का दाल का बल्ला, मूंग की दाल का प्योर दही बल्ला है। ऊपर से आती है क्रंची पापड़ी डालते हैं ये डली इस पे दोस्तों, क्रंची पापड़ी, ये हमारा पीली मिर्च होती है, पीली मिर्च डाली इस पे, इसमें 3 प्रकार का नमक होती है। अच्छा, 3 प्रकार के नमक डालते हैं दोस्तों, 14 प्रकार के मसाले होते हैं, 14 प्रकार के मसाले मिक्स हैं वो डालें। ये जो हमारा ये दही होती है मीठी और क्रीमी दही होती है, ठंडा हो गया बिल्कुल, ठंडी और मीठी क्रीमी दही डाल रहे हैं। उसके बाद फिर मसाले आएंगे इस पर, और दोस्तों फिर मसाले आएंगे इसके ऊपर दोबारा से।
ये हमारा होता है खजूर का चटनी। इसमें चटनी देखिए दोस्तों जरा एक बार, 22 प्रकार के मसाले, 22 तरह के मसाले मिक्स हैं खजूर की चटनी के अंदर। तो गाइस ये हमारी जो प्लेट थी वो तैयार हो गई है, देख सकते हैं मतलब क्या बात है दोस्तों। हमारा सारे 10 से लेके शाम को 8 बजे तक। तो गाइस ये हमारी प्लेट तैयार हो गई, आइए दोस्तों हम टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। गाइस ये हमारी प्लेट है भैया भल्ले की, देख सकते हैं क्या बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भाई भल्ला है दोस्तों। हम खाएंगे और बताएंगे आपको। ये हमारी बाइट दोस्तों, ये हमारी बाइट, दोस्तों भल्ले आपने बहुत जगह खाए होंगे लेकिन ये जो भल्ले हैं शर्मा जी के, इनका स्वाद ही अलग है, मतलब भल्ले का स्वाद ही अलग है, एक अलग स्वाद के दही भल्ले आपको यहाँ मिलेंगे खाने के लिए। और गाइस दोस्तों इसके अंदर जो मसाले डाले अंकल जी ने, उसका एक अलग ही स्वाद आ रहा है, मतलब मसाले ने इतना स्वाद बढ़ा दिया भल्ले का कि जवाब नहीं अंकल जी का। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।